Yeah, right. Okay. जी हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मेलेनी नैजरेथ है और मैं सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिल से अच्छी तरह से दिवालियाँ मनाइएगा, प्यार बांटिएगा, पटाखे फोड़िएगा, लेकिन थोड़े सेफली। मतलब इस क्षण का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब प्रमोशंस हो रहे, कब हम सबसे मिले, कब हम सब आप लोगों से मुखातिब हो रहे, प्रेस से मुखातिब हो रहे। आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जंबल्ड अप क्वेश्चंस अब तक किसी ने पूछे नहीं है, मैं बच के रही हूँ। लेकिन इस पल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और मतलब इतने टाइम से जो बेचैनी थी एक मन में, खुशी थी, एक मिक्स्ड इमोशंस जो मेरे दिल में थे, वो कुछ टाइम के बाद ना थोड़े से उनमें थोड़ी सी स्थिरता आ गई थी, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी जब मैं आप सभी से इंटरेक्ट करना मैंने शुरू किया, फिल्म के बारे में बताना शुरू किया, पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई फिल्म से कनेक्टेड, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि अब मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूँगी सबके साथ। एक तेरा साथ एक हॉरर थ्रिलर जॉनर की फिल्म है। सबसे अनोखी बात इसमें यह है कि इसे बच्चे भी देख सकते हैं, जो ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में नहीं होता है। तो मतलब आप सब परिवार देख सकते हो, अपने बच्चों के साथ देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक कड़ी बताऊँगी तो दूसरी कड़ी मुझे बताना पड़ेगा और उस चक्कर में कहीं मैं फिल्म की कहानी ना बोल दूँ आप लोगों को। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस को आज एक राज की बात बताना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप फिल्में देख रहे होंगे, इंटरवल के लगभग 10-15 मिनट के पहले तक जो भी आप लोग देख रहे होंगे, वैसा हमारी फिल्में नहीं है। और जो आप नहीं देख रहे होंगे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों को 21 अक्टूबर को जाके देखना पड़ेगा एक तेरा साथ। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, वेरी वेल स्क्रिप्टेड, वेल कंसेप्चुअलाइज्ड, वेल एग्जीक्यूटेड एंड इट्स वेरी वेल परफॉर्म्ड। शिद्दत से, मन से, सिंसियरिटी से परफॉर्मेंस है। सबके लिए मील का पत्थर है ये, आपके लिए, शरद के लिए, शरद की ये बड़े पर्दे पे एंट्री है आपकी और ऋतु की, सब की। जी हाँ, सबकी बात करें, कितना एंजॉय किया आपने मूवी में और सबके लिए चांस है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा चांस है। इनफैक्ट हम सब एक दूसरे लेवल की कनेक्टिविटी रखते हैं। इनफैक्ट हम लोग सब एक इमोशनल लेवल की कनेक्टिविटी है हमारी। हम सब इस फिल्म को लेके बहुत इमोशनल हो गए हैं। ज़्यादातर जब भी आज तक काम किया है सीरियल्स में वगैरह, एक प्रोफेशनल लेवल पे हम लोगों ने काम किया है सबके साथ। काम करते हैं, शो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट शो में जुड़ जाते हैं, फिर नए फ्रेंड्स, नए को एक्टर्स, नए, तो ये दौर चलता ही रहता है। लेकिन इस फिल्म से हम सब बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो भी इसका श्रेय मैं अरशद सिद्दीकी को देना चाहूँगी जो हमारे डायरेक्टर हैं। चूँकि उन्होंने हमें सब साथ में बिठाया, स्क्रिप्ट हमें कभी दी नहीं, उन्होंने कहा ये सीन है हमें, मुझे ये सीन में ये कंटेंट्स चाहिए, अभी हम बैठ के अभी बनाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है। शरद चलो तुम कुछ ऐसा बोलो, तुम यहाँ से शुरू करो। तो शरद ने कुछ बोल दिया तो मुझसे, मैं, तुम क्या बोलोगी? मैंने कहा सर शायद मैं ऐसा कोई कुछ जवाब दूंगी जो मेरा कैरेक्टर है उसमें, सोनाली रावत, शायद सोनाली ऐसा कुछ बोल दे। तो इसे लेकिन इस तो सर कहते ऐसे, चलो ये भी अच्छा है, फिर सर भी कुछ बोलते थे ऐसे करके, जो उन्होंने हम सबके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाई है वो आज तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स रीज़न वाई वी आर ऑल वेरी वेल कनेक्टेड टू द फिल्म एंड वी आर ऑल इमोशनली कनेक्टेड टू द फिल्म। शरद की बात करें, काफ़ी मजे आर्टिस्ट हैं, 10 साल से हैं उनके, 10 सालों उसके इंडस्ट्री में बड़े बड़े शो कर चुके हैं, माना मसाला जैसे, क्या क्या टिप्स दी आपको सेट के दौरान? शरद एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने बारे में ही नहीं, अपने को एक्टर के बारे में भी उतना ही सोचता है। उसने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, जब भी हम सीन्स करते थे तो फिर वो समझो कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मैंने कुछ एक डायलॉग को मैंने इस तरह से बोल दिया, अगर शरद को लगा कि शायद मैं ये डायलॉग मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मुझमें वो काबिलियत है कि मैं इसको बेटर तरीके से कुछ कर सकती हूँ, तो ऐसे नहीं कि वो आके बोलता था यार तुम ये कर, तुमने वो किया नहीं, ऐसे कभी कुछ कटिल अंदाज में नहीं बोलता था या तंजिया अंदाज में कभी उसने कुछ कभी बोला नहीं। वो हमेशा इस तरह से कहता था कि तुमने ये जो किया ना ये बहुत अच्छा है, लेकिन शायद अगर तुम वैसा करती तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब मुझे नहीं पता, तुम देख लो।
तो मैं समझ जाती थी ये बॉस ये बहुत बढ़िया सजेशन मुझे एक्चुअली दे रहे हैं, और मैंने वो करके देखा तो वो वाकई वो सीन काफ़ी उभर के आया है. सो ही इज़ अ पर्सन हु आई वुड से फॉर एवरी को एक्टर लाइक शरद इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. नहीं मैं मेरे डैडी मैंगलोर से हैं और मेरी मम्मी मुंबई की है. मैं मुंबई में ही पली बड़ी हूँ तो मैं पक्की मुंबईया ही हूँ. और मुझे हिंदी फिल्मों से तब से प्यार है जब से मैंने होश संभाला है इस दुनिया में. हिंदी यू कैन से जैसे अमिताभ जी कहते आई वॉक इंग्लिश आई टैक इंग्लिश, तो आई कैन से आई वॉक फिल्म्स आई टैक फिल्म्स आई ईट फिल्म्स आई स्लीप फिल्म्स. तो मैं इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मैं दीवारों से बात करती रहती थी, मेरे सामने किताब ऐसी खुली रहती थी. और एक दिन मेरे डैडी ने मुझे देखा कि डैडी ने पूछा क्या कर क्या रही हो तू, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं वो ऐसे ही वो कल मैंने फिल्में देखा था वो वैसे ही कर रहे थे वो हीरो. डैडी का अच्छा अच्छा ठीक है. तो डैडी समझ गए कि मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा बहुत जम के भरा हुआ है और डैडी थे जिन्होंने मुझे इस लाइन में एनकरेज किया है. तो मैं जब से मैंने होश संभाला है मैंने फिल्मों के बारे में ही सोचा है. इफ आई वुडंट हैव बीन एन एक्ट्रेस आई वुड हैव बीन डेड. थैंक यू प्लीज़. मेरी मनोकामना है कि मैं हमेशा आपके साथ फिल्मों को लेकर इंटरव्यू करूँ. थैंक यू. बैठे रहना. और क्या बेटा आपके इसमें.